नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि महामारी जैसे वैश्विक महासंकट क्यों आता है, क्या हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, महामारी हो अथवा अन्य नैसर्गिक आपदा, हर कोई अपने ढंग से उसका कारण ढूंढता है। जैसे वैज्ञानिक हो तो वह अपना तर्क बताता है कि यह आपदा क्यों आई और इसका परिणाम क्या होगा, जबकि पत्रकार अपना तर्क लगाते हैं। पर हमें आपदा का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य देखना है, इसलिए कि बिना आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य समझे हम आपदाओं को समझ नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता, क्योंकि सृष्टि का संचालन किसी सरकार या आर्थिक महासत्ता द्वारा नहीं होता, सृष्टि का संचालन परमात्मा द्वारा होता है। इस संचालन का विज्ञान यदि हम नहीं समझेंगे तो वैश्विक संकट को और उसमें समाधान को कैसे समझ पाएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में सृष्टि तथा उनके संचालन के विषय में स्थूल अध्ययन के साथ साथ सूक्ष्म की भी स्पष्ट जानकारी दी गई है। कौशिक पद्धति नामक ग्रंथ में आपातकाल के कारण का वर्णन है। अति वृष्टि, अनावृष्टि, सालभा, मूषकः, शुकः, स्वचक्रम, परचक्रम च, सप्ते ईर्त्या स्मरात। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। राजकर्ता तथा प्रजा के धर्म पालन ना करने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, टिड्डियों का आक्रमण, चूहों तथा तोतों, पोपट का उपद्रव, एक दूसरों के लड़ाइयों और शत्रुओं का आक्रमण, इस प्रकार सात संकट राष्ट्र पर आते हैं। तात्पर्य, प्रजा को राजा दोनों के लिए धर्म पालन एवं साधना करनी चाहिए, तब ही आपातकाल की तीव्रता अल्प होकर आपातकाल सुस्वाह होगा। अध्यात्म परिपेक्ष के कुछ पहलू समझ लेते हैं। युगों का कालचक्र, हमारे शास्त्रों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग ऐसे चार युग का स्पष्ट उल्लेख है। वर्तमान में कलयुग के अंतराल चल रहे पांचवें कलयुग के अंत का समय है। इसके बाद कलयुग के अंतर्गत एक छोटा सा सतयुग आएगा। अभी का समय छोटी कलयुग के अंत का है, कल्कि अवतार का समय के कलयुग का नहीं। वैसे कलयुग 432,000 वर्ष का होता है, अभी करीब 5,500 वर्ष हुए हैं। इसलिए अभी चल रहे कलयुग में परिवर्तन आएगा और फिर से सतयुग जैसा दिखाई देगा। उत्पत्ति, स्थिति, लय, यह कालचक्र का नियम है। युग परिवर्तन इस ईश्वर निर्मित प्रकृति का एक नियम है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह कुछ समय तक रहकर अंत में नष्ट हो जाती है, इसे उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का नियम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, वह कुछ काल तक रहेगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब इस विश्व में किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो कुछ काल तक रहने के पश्चात वह अवश्य नष्ट होगी। केवल निर्माता अर्थात ईश्वर ही चिरंतन एवं अपरिवर्तनीय है। इस नियम के अनुसार अभी का समय काल चक्र में एक परिवर्तन का समय है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपत्तियों से प्रकृति अपना संतुलन बना रही है। इसमें समझना होगा कि आपत्तियों से जो नष्ट हो रहा है उनके अनेक मार्ग हैं। इसमें से एक मार्ग है प्राकृतिक आपदाएं। नाश की इस प्रक्रिया में मानव जाति भी व्यवहार एवं आचरण द्वारा अपना योगदान देती है, जो युद्ध के रूप में सर्वनाश लाता है। इसकी मात्रा 70% होती है।
इसमें उत्पत्ति स्थिति लय विनाश इस काल चक्र के नियमानुसार रजोगुनी और तमोगुनी पापी लोगों की सबसे अधिक प्राण हानि होगी। इसमें वातावरण की एक प्रकार से शुद्धि ही होती है। इस काल का उल्लेख अनेक भविष्यवेताओं ने भी अपनी भविष्यवाणी में किया है। मनुष्य के कर्म तथा समष्टि प्रारब्ध वर्तमान कलयुग में मनुष्य का 65% जीवन प्रारब्ध के अनुसार 35% क्रियामण कर्म के अनुसार होता है। 35% क्रियामण द्वारा हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रारब्ध भाग्य के रूप में उन्हें भोगना पड़ता है। वर्तमान में धर्म शिक्षा और धर्म आचरण के अभाव के समाज के अधिकांश लोगों के स्वार्थ या बढ़ते तपो तमोगुणों के कारण समाज राष्ट्र और धर्म की हानि हो रही है। यह गलत कर्म संपूर्ण समाज को भुगतने पड़ते हैं क्योंकि समाज उसकी अनदेखी करता है। इसी प्रकार समष्टि के बुरे कर्मों का फल भी उसे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सहना पड़ता है। जिस प्रकार आग में सूखे के साथ गीला भी जल जाता है उसी प्रकार यह है। इसके साथ ही समाज धर्म और राष्ट्र का भी समष्टि प्रारब्ध होता है। 2023 तक के कालखंड में मनुष्य जाति को कठिन समष्टि प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रकृति कैसे कार्य करता है? जिस प्रकार धूल एवं धुएं के स्थान स्थूल स्तर पर प्रदूषण होता है उसी प्रकार बुद्धि आगम्य सूक्ष्म स्तर पर रजतम का प्रदूषण होता है। समाज में सर्वत्र फैले अधर्म और एवं साधना के अभाव के कारण मानव में रजतम जाने में वातावरण में भी रजतम बढ़ गया है। इससे प्रकृति का साथ ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। रजतम बढ़ने का अर्थ सूक्ष्म स्तर पर पूरे विश्व में बुद्धि आगम्य आध्यात्मिक प्रदूषण होगा। जिस प्रकार हम जिस घर में रहते हैं वहाँ की धूल गंदगी समय समय पर स्थूल रूप से निकलते रहते हैं उसी प्रकार प्रकृति भी सूक्ष्म स्तर पर वातावरण में रजतम के प्रदूषण को हटाने एवं स्वच्छ करने के लिए प्रतिसाद देती है। वास्तविकता यह है कि जब वातावरण में रजतम का पड़ला भारी हो जाता है तब यह अतिरिक्त रजतम मूलभूत 5 वैश्विक तत्वों के माध्यम से पंचभूत प्रभाव डालता है। इन 5 महाभूतों के माध्यम से यह भूकंप बाढ़ ज्वालामुखी चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है। मूलभूत पृथ्वी तत्व प्रभावित होने से उसकी परिणति भूकंप में होती है। मूलभूत आपद तत्व प्रभावित होने से पानी में वृद्धि बाढ़ आना अथवा अतिरिक्त हिम वर्षा होकर हिमयुग आना अथवा न्यूनतम उदा अकाल होती है। महाभारत के युद्ध समय में देखा गया था कि कौरवों के लाखों सेना मर गई थी। यह 5 पांडव और धर्म के साथ देने वाले जीवित रहे थे। इसमें साफ होता है कि सनातन धर्म के अनुसार और साधु संतों के बताए अनुसार अपना जीवन बनाया जाए और जीवन में सत्व गुण बढ़ा जाए तो इन आपदाओं से हमारी रक्षा होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी के समय के अनुसार बड़े बड़े संत महापुरुषों को आरोप लगाकर उनको जेलों में रखा जाता है और कई वर्षों से रखा जा रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और इस धरा में आकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो हो सकता है कि भगवान फिर आए धर्म की स्थापना करने। तो यही है कि हमको धर्म का पालन करना है और आगे बढ़ना है। जय श्री राम।